सिवनी जिले के घनसोर तहसील प्रांगण में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले 11 सूत्री मांग को लेकर धरना आंदोलन किया जा रहा है। इस धरना आंदोलन को एक महीना होने को है, लेकिन शासन के जिम्मेदार अधिकारियों ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं से ना तो संपर्क किया और ना ही आए और ना ही हाल जानने की जहमत उठाई। गरीब आदिवासियों का क्या हाल है, जबकि गोंडवाना पार्टी के बैनर तले 11/12/2019 से निरंतर धरना आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक शासन के कानों में जू तक नहीं रेंगी। शासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। शासन को इन आदिवासियों से कोई भी मतलब नहीं, ना इनकी ज़रूरत ही है। एक तरह तो सरकार आदिवासियों के उत्थान की बात करती है, समाज में आगे लाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ शासन इन आदिवासियों की बात तक सुनने को तैयार नहीं है। इन सभी बातों को लेकर आदिवासी समाज और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शासन को तीव्र आंदोलन की चेतावनी दे दी है। घनसोर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। शासन का कोई जिम्मेदार प्रतिनिधि अभी तक आपसे इस विषय में कोई मतलब चर्चा किया है? अभी तक तो कोई शासन प्रशासन, मैंने बताया ना आपको, अभी तक कोई भी शासन के जिम्मेदार कोई जनप्रतिनिधि आया ना ही प्रशासन की तरफ से कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर आया। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से सारे प्रशासनिक अधिकारी गुजरते हैं, समाचार पत्रों में के माध्यम से जानकारी हो रही है। हमने विज्ञप्ति भी शासन प्रशासन को दिया है, ज्ञापन दिया है, इसके बाद कोई शासन प्रशासन का आदमी यहाँ सुध नहीं ले रहा है, ना ही कोई जानकारी लेने यहाँ पर पहुँचा। इसलिए ये लग रहा है कि यहाँ पर कोई शासन प्रशासन का नियंत्रण नहीं है। शासन अगर आपकी बातों को नहीं सुनता है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा चक्का जाम, भूख हड़ताल और सारे जितने भी उग्र आंदोलन हमें करना पड़े वो हम करेंगे। ये जनता की लड़ाई है, जनता के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हम अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। संतर वलारी, प्रदेश महामंत्री, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, मध्य प्रदेश। जी, आप लोग जो मांगों को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं तो इस विषय में कुछ प्रकाश डालिए। ये धरना आंदोलन जो है विगत 11/12/2019 से सतत अभी तक चलता आ रहा है और 11 सूत्री मांगों को लेकर लगातार लगभग एक महीने होने जा रहा है ये धरना आंदोलन। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसमें तन मन धन से बैठे हैं, भूखे लांघे बैठे हैं, परंतु आज तक जिला प्रशासन न यहाँ के तहसील प्रशासन की तरफ से इस आंदोलन की तरफ किसी भी प्रकार का कोई सुध नहीं लिया गया, जिससे क्षेत्र के अनेक जनसमस्याओं को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले जो 11 सूत्री मांगों को लेकर खास तौर से फोकस किया गया है उसको लेकर तमाम कार्यकर्ता आक्रोशित हैं, क्षेत्र के आम जन समुदाय आक्रोशित हैं और इस क्षेत्र में शासन प्रशासन का इतना निरंकुश नियंत्रण है जिसकी कोई हद नहीं है और जो तहसील, ब्लॉक और तमाम ना तहसील में कोई आम आदमी का काम हो रहा है, ना कोई किसान का काम हो रहा है, ना कोई मजदूर का काम हो रहा है, ना कोई जनप्रतिनिधि का कोई अधिकारी, ना प्रशासन और शासन में बैठे लोग सुन रहे हैं। इसलिए तमाम जन समस्याओं को लेकर हम लोग लगभग एक महीने से आंदोलनरत हैं और ये आंदोलन सतत चलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।